सो गुड मॉर्निंग एवरी वन। इस वक्त अभी हम लोग हैदराबाद में सेवन टॉम्स रोड पे एक बार फिर मैं आपको लेके आया हूँ और यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे गन्ने का जूस निकाला जा रहा है। आपने अब तक देखा होगा कि गन्ने का जूस मशीनों से ज़रिए निकाला जाता है, लेकिन ये हाथ के ज़रिए गन्ने का जूस, जो बहुत ही पुरानी जो रिवायत है जूस निकालने की, तो यहाँ पे आपको सेवन टॉम्स रोड पे जो टोली चौकी का एरिया है, यहाँ पे गन्ने का जूस जो है वो हाथ से निकाला जाता है। एक दो लकड़ियों की मोटी सिल्लियों के बीच में दबा करके बहुत ही मेहनत का काम है। और ये जो एक साहब है जो कि पूरी तरह से पूरी मेहनत से इसको पूरी गोल चक्कर लगा रहे हैं और इस तरह से जूस निकाला जा रहा है, तो देख सकते हैं कि किस तरह से पुराने परंपराओं के हिसाब से जूस निकाला जा रहा है। इसमें कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई डीजल पेट्रोल का खर्च है। बहुत ही मेहनत से एक एक बूंद को निचोड़ करके फिर यहाँ से वो गन्ने का जूस निकाल करके और दिया जाता है। तो नॉर्मल जो गन्ने का जूस यहाँ पे मिलता है हैदराबाद में या कहीं भी शहर में, तो आप देखते होंगे कि मशीनों के ज़रिए वो गन्ने का जूस निकाला जाता है और यहाँ पे आपको गन्ने का जूस जो है, तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा इस वक्त कि ये गन्ने का जूस जो निकाल रहे हैं इनको कितनी मेहनत लगती है। भाई क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद भाई कैसे हैं आप? अच्छे। तो ये गन्ने का जूस जो है आपको आइडिया कैसे आया हाथ से निकालना है? लोग मशीनों के ज़रिए निकालते हैं, एक सेकंड के अंदर पूरा निकाल लेते हैं। वो मशीन का जो है ना नेचुरल रस नहीं आता। अच्छा, नेचुरल रहेगा। तो ये साजिद भाई बता रहे हैं कि नहीं है इस रस में। साजिद भाई बता रहे हैं कि नेचुरल जो है वो चीज़ें नेचुरल तरीके से मेहनत से पसीने से निकाला गया रस जो है, वो जो पीने वालों को भी जो है कि बहुत मज़ा आता होगा। कैसा लग रहा है भाई आपको जो गन्ने का जूस निकाला गया है ये हाथ से निकाला गया है? आप कहीं भी देखेंगे कि मशीन के जरिए डीजल पेट्रोल खर्च करके पॉल्यूशन के साथ निकाला जाता है। आप तो गन्ने का जूस पी ले रहे हैं और उसका पॉल्यूशन कहीं और जा रहा है, पेट्रोल डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पीने से बहुत हेल्थी एक्टिव रहता, बहुत नेचुरल जूस है ये। नेचुरल जूस है ना, तो आप खुश है यहाँ? आप जब यहाँ से आए होंगे तो रास्ते में बहुत सारे गन्ने का जूस निकाला हो गया होगा। मैं ये इलेक्ट्रिकल गाड़ी के देखा हूँ वहाँ तक जाके फिर रिटर्न आके यहाँ पे फिर हूँ मैं। फिर आप स्पेशल यहाँ पे आए तो साजिद भाई आपका नाम क्या है? कृष्णा। देखिए कृष्णा भाई जो है वो साजिद भाई के हाथ का जूस निकाल के पी रहे हैं। ये भी एक जो है हिंदुस्तान की तहजीब में है कि कृष्णा भाई को साजिद भाई के हाथ का जूस अच्छा लग रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान में और ये कम बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है कि कृष्णा भाई को साजिद भाई के हाथ का जूस चाहिए, वो किसी और के हाथ का जूस पीना पसंद नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं जो बात कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोग ये देख रहे होंगे और उनको ये पता चल रहा होगा कृष्णा भाई को जब जूस पीना हो तो साजिद भाई की दुकान की, वो भी हाथ का जूस। तो ये एक मोहब्बत भरा जो है कि जूस जो आपको पिलाया जा रहा है हिंदुस्तान में है, यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। देखिए कितनी बड़ी बात भाई आपने कह दी कि यही मोहब्बत है। और ऐसे लोग जब तक साजिद भाई जैसे लोग और कृष्णा भाई जैसे लोग जब हिंदुस्तान में रहेंगे तो जितने जो लोग जो है कि छोटे जहन वाले नैरो माइंडेड हैं वो लोग जो है कि किसी को आपस में लड़ा नहीं सकते हैं, तो कृष्णा भाई जो है वो साजिद भाई के हाथ का जूस पियेंगे, वो कहीं और जाएंगे नहीं, है ना? अच्छा, तो देखिए ये साजिद भाई के जूस की जो है यहाँ पे जूस का रेट भी लिखा हुआ है, 10 रुपीज़ में एक गिलास जूस ये देते हैं विथ आइस, ठंडा ठंडा बर्फ़ डाल करके देते हैं ताकि गर्मियों में लोगों को आसानी से पी सके। और एक और रेट नीचे लिखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि 15 रुपये का है, 15 रुपीज़ विदाउट आइस, यानी कि आपकी मर्जी है आप जूस में आइस डालकर पीना पसंद करते हैं या बगैर आइस का पसंद करते हैं। तो जैसे कस्टमर की पसंद होगी साजिद भाई उस तरह से यहाँ पे जूस निकालेंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो वो जूस जो है कि उसमें आइस मिला के पियेंगे। और देखिए मैं एक और सब्सक्राइबर से मैं मिलाना चाह रहा हूँ जो कि यहाँ पे, भाई क्या नाम है आपका? I don't speak English. Okay, oh, what's your good name please? My name is Saleh. Saleh, mashallah. My name is Zafar. So Saleh, how was your taste was for the sugarcane juice? It's very nice. Very nice. Yes. So are you getting any difference between like this is just it's making by hand. Hand making machine is there. No electricity, yeah. No petrol, no diesel, no pollution. It's the best. The best? Yeah. So when you come from this location, I think you can get lot of shops was there, but you chosen this choose this shops only. Is there any specific reason? Because always I come from here. Okay, you are coming from here only. You are from which country? I am from Yemen. Oh, mashallah, you are from Yemen. Yeah. You are staying in India in Hyderabad. Yeah, yeah. So you like this juice making by the hand? It's very nice. Oh, very nice. Thank you so much to talk with our channel. Our channel is the Colorful Zone. Please check and subscribe. Okay, Colorful Zone.
You can one of the our YouTube channels there, Colorful Zone. Check it and subscribe. Okay, all right. Thank you so much for talking with us. So ये है भाई साजिद भाई का शॉप. यहाँ पे हाथ से जूस निकाला जाए. इतने देख में आप देखा होगा किस तरह से कस्टमर यहाँ पे आ गए, एक के बाद फिर दूसरे आ गए और फिर तीसरे कस्टमर भी यहाँ आ चुके हैं जूस पीने के लिए. भाई साहब जूस पीने आए हुए हैं आप यहाँ पे, कैसे लगता है हाथ का निकाला हुआ जूस? लकड़ी से नेचुरल टेस्ट के साथ निकाला जा रहा है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं साजिद भाई. तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ये सोचा जाए कि एक बंदा ये सोचे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करूँगा. ये चाहते तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते थे, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं. हिंदुस्तान में आप चाहें तो छोटे छोटे ऑप्शंस हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए. एक बंदा चाहे तो वो रोज़ाने का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बचा रहा है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी के घर में जाए और वहाँ पे रोशनी हो. वरना ये चाहते तो बगैर मेहनत के इलेक्ट्रिसिटी का प्लग लगाते और फौरन ये जो है काम चलना शुरू हो जाता और जूस निकल जाता और फटाफट फटाफट दे दे. और बहुत ही यहाँ पे मेहनत से जो है कि जूस निकाला जाता. तो बहुत अच्छा लगा मैंने यहाँ पे देखा कि ये सेवन टॉम्स रोड का है, हैदराबाद में एक टोली चौकी एरिया है जो मेहदीपट्टनम से तकरीबन 2 किलोमीटर और इधर आने के बाद मिलता है सेवन टॉम्स रोड, 7 गुंबद रोड, जो है कि बहुत ही फेमस है. कुल कुतुब शाह का यहाँ पे मज़ार है. और जब आप सेवन टॉम्स रोड से लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा गोलकुंडा फोर्ट. तो यही वो रास्ता है जो कि गोलकुंडा फोर्ट की तरफ जाता है. ये गोलकुंडा फोर्ट की तरफ ये जाता है रास्ता. और गोलकुंडा फोर्ट बहुत ही फेमस फोर्ट है जो कि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं. और इस रास्ते पे आकर के जब आप दाएं जानी आएंगे तो यहाँ पे साजिद भाई की दुकान मिलेगी. तो साजिद भाई के साथ एक और साहब काम कर रहे हैं, हम उनसे थोड़ी देर बात करना चाहेंगे. जब ये फ्री हो जाएंगे, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, जब ये फ्री हो जाएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे वो उनको ये आइडिया आया कि लकड़ी के बल्लियों से मिलाकर कि ये जूस का मशीन बनाया उन्होंने. और आज 2019 में इज़ अ मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसी मशीनें बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगी. और ऐसी मशीनें शायद आपको म्यूज़ियम में ही रखी होगी, लेकिन यहाँ पे ये म्यूज़ियम नहीं है, ये रोड के किनारे बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में ये जूस का मशीन है जो कि हाथ निकल जाता है. और ये आप देख सकते हैं किस तरह से मेहनत कर रहे हैं. तो यही वो लोग हैं मेहनत करने वाले जो हिंदुस्तान में अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं और मेहनत की कमाई और खून पसीने की कमाई. इस वक्त टेम्परेचर हैदराबाद में जो है पिछले साल जिस तरह से गर्मी आती थी, इस बार गर्मी बहुत जल्दी दस्तक दे चुकी है. फरवरी के महीने से यहाँ गर्मी शुरू हो चुकी है. और गर्मी का मौसम जब आप देखेंगे तो जूस की दुकान पे भीड़ लगी रहती है. गन्ने के जूस पीने के लिए लोग आते हैं, तरबूज और खरबूज के जूस भी यहाँ पीने के लिए आते हैं, लेकिन गन्ने के जूस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है हैदराबाद में. देखिए अभी ये बिल्कुल नया फ्रेश जूस निकाल करके ये दे रहे हैं. और सफाई का भी उन्होंने ख्याल रखा है, ये सफाई का भी ख्याल रखते हैं ताकि जो है कि सब साफ सफाई हो, ताकि कस्टमर इनको जो है कि आए. भाई क्या नाम है आपका? कैलाश. कैलाश देखिए ये कैलाश भैया. और आप, आपकी दुकान है ये? मोहम्मद आरिफ. मोहम्मद आरिफ. देखिए मोहम्मद आरिफ हैं ये, और ये कैलाश भाई हैं, और ये साजिद भाई हैं. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के हिंदुस्तान में कितनी मोहब्बत है. आपको जब दूर से सुना होगा कि भाई आपस में लोग लड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपस में सब बैठ करके साथ जूस बनाते हैं और पीते हैं. किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये किसके हाथ का जूस बना हुआ है, क्योंकि सब एक दूसरे को इंसानियत के नाते से देखते हैं. और ये जूस जो है कि बनाने वाले मशीन के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मशीन जो है किस तरह से ये काम करती है. ये एक ब्लॉक कार्ट जैसा पोर्शन है और जिसपे कहीं भी ट्यूब टायर का यूज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है. ये है पुराने ज़माने में जिस तरह से बैलगाड़ियाँ होती थी उसमें जो पहिए लगाए होते थे. तो ये 3 पहिए लगे हुए, एक इधर लगाया है, दूसरे जगह, और ये तीसरा पहिया यहाँ पे है. और इसमें जो है एक बड़ी से बड़ा सा एक पोर्शन है जिससे साजिद भाई इसको घुमाते हैं. और जब ये घुमाते हैं तो इसके बीच में 2 लकड़ी की बल्लियाँ लगी हुई हैं जो कि बहुत ही हाथ से बनाया गया है इसके भी. और जब इसके बीच में जब गन्ने डाला जाता है तो जूस जो है बहुत ही आसानी से यहाँ होते हुए एक छोटी सी नाली बनी हुई है. और ये जूस जो है यहाँ से होते हुए इस पोर्शन में आता है और फिर इसको फिल्टर कर दिया जाता है. तो छोटे मोटे जो होते हैं वो यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा जब ये फिल्टर के लिए इस फिल्टर के अंदर डाल करके एक फ्रेश जूस बनाया जाता है. और फिर इसमें लेमन डाला जाता है, लेमन को डाल करके फिर जूस को एक कस्टमर को दिया दिया जाता है. तो ये जो कमाई है जो बहुत ही मेहनत की कमाई है, इसमें ज़रा सी भी किसी किस्म का कोई
कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, इसमें बहुत ही मेहनत की कमाई है और बहुत ही खून पसीने की कमाई से ये जो है काम किया है। तो मैं एक बार फिर से इनको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं, हिंदुस्तान की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम जहाँ पे गांव में अभी भी गांव में कुछ परसेंटेज ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं पहुँच पाई है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं, यहाँ पे कोई डीजल और पेट्रोल का खर्च नहीं है, ये पॉल्यूशन भी बचा रहे हैं। तो ऐसे जूस की दुकान पर आप आएँ और जूस पी करके लुत्फानंदोज़ हों, और मैं समझ रहा हूँ कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये जूस की दुकान। ये देखिए जिस तरह से मैंने बताया था कि यहाँ पे ब्लॉकर लगे हुए, और रेट इन्होंने मेनू भी बना रखा है, इतनी मेहनत से जूस निकाला हुआ है, शायद इसकी कीमत कम से कम 50 रुपीज़ होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ 10 रुपये लगा रखा है। 10 रुपये अगर आपको आइस के साथ पीना है, और अगर 15 रुपये पीना चाहते हैं तो फिर इसमें बगैर आइस को, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बर्फ़ पसंद नहीं है, तो वो 15 रुपये दे करके यहाँ एक गिलास जूस पी सकते हैं। तो ये था कलरफुल जोन की तरफ से, चैनल की तरफ से, यूट्यूब चैनल्स, आप इसको देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह के नए वीडियोस आपको आते रहेंगे, और बेल आइकन पे अपनी उंगली प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको जब भी कोई न्यू वीडियोस आए तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो कलरफुल जोन की तरफ से एक बार मैं फिर कृष्णा भाई और आरिज भाई और एक और साथी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि जिस तरह से हिंदुस्तान के कल्चर को इन्होंने बनाए रखा है, और इस तरह से ये और कामयाब हों और इस जूस को लोग पी करके मज़ा उठा रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कलरफुल जोन। थैंक यू सो मच।